हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे 4 या 6 मंथ हो गया मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की हुई अपने चैनल पे। तो आप ये पैकेट पीछे देख रहे हो, ये गोप्रो हीरो 9 का मैंने बाय किया हुआ था आज से 2 महीने पहले, 1 जन 2022 को। एंड जो आज अनबॉक्सिंग की डेट है ना, वो है 10 मार्च 2022। मतलब 2 महीने 10 दिन हो चुके हैं मैंने इसको ओपन नहीं किया, जैसा मैं लेके आया था वैसे ही पड़ा हुआ अभी तक। सो आज मैं अनबॉक्स करूँगा काफ़ी दिनों के बाद। एंड ये मुझे चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, बाद में बताऊंगा इसको कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं। मैं यहाँ वहाँ से सीख के आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इसको आप जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला क्या नहीं मिला है, एंड इसका कॉस्ट बताऊंगा ये मुझे कितना का पड़ा हुआ है। सो चलो सीधे अनबॉक्स करते हैं। इसको मैंने वहीं पर ओपन कर लिया, मैं इसको बाई किया होता है सो मैंने इसको वहीं पर ओपन कर दिया था। एंड अब निकलेगा इसके अंदर से जो अब बाहर से इसके अंदर देख लो, बाहर से इसमें क्या क्या मिला हुआ आपको शायद दिख रहा हो, इस पर क्या क्या मोड हैं, इस पर ये सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसकी प्राइस शायद यहीं के लिखी होगी, इसमें तो बहुत ज़्यादा लिखी है, 50,000 रुपये लिखी हुई है, बट ये इतनी की नहीं है। सो अब इसको अपन अनबॉक्स करेंगे, एकदम क्लासिक बॉक्स दिया हुआ है इन लोगों ने। सो ये रहा इसका बॉक्स गोप्रो, एंड ये पूरा ब्लैक है एंड सिर्फ इसमें गोप्रो का नेम दे रखा है। एंड इसको ओपन करते हैं अपन, क्या कैसे करना मिला क्या नहीं मिला अपन को। चार्जर गोप्रो हीरो 9 का, एंड ये रही बैटरी इसकी। इसके बाद हमें मिला है ये माउंट, क्योंकि गोप्रो नीचे रखते हैं सारे माउंट। ये रहा अपना मेन चीज, सो और देखते हैं और क्या क्या मिला होगा इसके साथ में। ये रहे गोप्रो के स्टिकर, जो कि मैं इसको लगाऊंगा अपने बाइक पे। और ये बुक गोप्रो की, एंड इससे हमें कोई मतलब है नहीं, इसे हमें मतलब है सब इस चीज़ से। सो अब इसमें हम डालेंगे सीधे बैटरी एंड इसको इंस्टॉल करेंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता कैसे इसको चलाते हैं, सीधे अपन बैटरी डाल के देखते हैं। सो अब इसको ऑन करके देखते हैं। सो यहाँ से ये ओपन होता है, सो इसमें दो साइड इसमें स्क्रीन है आगे भी एंड पीछे भी, ये ब्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा सही है। सो गाइस, जैसे कि आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, इसके अंदर क्या मिला क्या नहीं मिला आपने देख ही लिया होगा, कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं। इसमें 2 माउंट दिए गए, एक चार्जर दिया गया हुआ, एक बैटरी जो कि बैटरी साथ ही मिलती है, एंड इसके साथ आपको SD कार्ड अलग से बाय करनी पड़ेगी। सो आप अलग से परचेज कर सकते हो, इसमें साथ में नहीं मिलती है। सो अब हम बात करेंगे इसी कॉस्ट की, ये मुझे कितने का पड़ा हुआ है। सो गाइस, ये मैं आपको बता दूँ, ये मुझे पड़ा है 37,000 का, एंड इसमें से मुझे 600 रुपये का डिस्काउंट था। सो ये मुझे पड़ा था 36,400 का, जो कि मैंने बाय किया था रिलायंस स्टोर से। सो वहीं से मुझे कुछ कूपन लगा के दिया, तो 600 रुपये का, तो ये मुझे पड़ा था 36,400 का। सो गाइस, अब मैं आपको बता दूँ मैंने इसको किस लिए बाय किया हुआ। इसको मैंने बाय किया हुआ अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप। सो तब हम इसको यूज़ करेंगे अच्छे से, अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसको कैसे यूज़ करते हैं। हम इसकी वीडियो सर्च करेंगे एंड इसको यूज़ करना सीखेंगे, तब इसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अभी तो मुझे नहीं पता। सो किसी को यूज़ करना आता हो तो मुझे आप कमेंट कर बता सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे आप लिंक भेज सकते हो यहाँ वहाँ सर्च करके। सो आपको इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे।
सो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा मेरा GoPro Hero 9 Black। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जो आपको कैसा लगा। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ भी यूजर नेम शो रहा होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। एंड एक और बात, अब मैं रेगुलर अपडेट रहने की कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कब आती है सेकेंड वीडियो हमारी GoPro के साथ में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।